सो हे गाइस, अभी हाल ही में सीसी एक्सपो इवेंट आने वाला है और ये इवेंट भी कॉमिक कॉन और डिज्नी D23 की तरह ही होने वाला है। और इस इवेंट में हमें मार्वल से रिलेटेड काफी सारे अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। इस इवेंट में सोनी की मूवीज के बारे में भी अनाउंसमेंट होने वाला था, लेकिन सोनी ने उसे कैंसिल कर दिया। अब सोनी ने ऐसा क्यों किया, ये मैंने कल की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, चाहो तो वो देख लेना। तो इस इवेंट को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इस इवेंट में मार्वल अपने PS5 से रिलेटेड डिज्नी प्लस शो इस इवेंट में दिखा सकती है। मतलब कि इस इवेंट में हमें सीक्रेट इन्विजन का ट्रेलर देखने को मिल सकता है और शायद व्हाट इफ सीजन 2 का टीजर भी इस इवेंट में देखने को मिल जाए। और इन सब के अलावा एंटमैन 3 का ट्रेलर भी इस इवेंट में रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि एंटमैन 3 मार्वल PS5 की पहली मूवी होने वाली है। तो ऐसे में मार्वल का पूरा फोकस एंटमैन 3 पे ही रहेगा। तो इसमें एंटमैन 3 से रिलेटेड भी काफी सारे नई चीजें भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का टीजर भी इस इवेंट में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मूवी भी मार्वल PS5 के लिए काफी बड़ी होने वाली है। और इन सब के अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि मार्वल के पास काफी सारे सरप्राइजेस हैं इस इवेंट को लेकर। तो इन सब के अलावा मार्वल कुछ और भी अनाउंसमेंट करते हुए या किसी मूवी टीजर का टीजर हमें दिखा सकती हैं। और अगर बात करें सोनी की, तो देखो जैसा कि मैंने बताया था कि सोनी ने इस इवेंट से अपना नाम हटा दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी रूमर्स आए हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सोनी CCXP में होती तो क्या अनाउंसमेंट करती, जिसमें सबसे पहले सोनी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के बारे में बताती, जो कि अगले साल ही रिलीज होने वाली है। और इस मूवी से रिलेटेड हमें एक ट्रेलर भी देखने को मिलता और पूरे कास्ट के बारे में भी बताया जाता। और इसके बाद सोनी मैडम वेब मूवी के बारे में अनाउंसमेंट कर दी और उसके कास्ट को इंट्रोड्यूस कर दी। फिर हमें विनम 3 से रिलेटेड भी बहुत कुछ देखने को मिलता और इसका रिलीज डेट भी सामने आ जाता। और एंडिंग में हमें स्पाइडरमैन 4 का अनाउंसमेंट भी देखने को मिलता और सोनी अपने स्पाइडरवर्स मूवी के बारे में बताती कि उनके फ्यूचर प्लान क्या क्या है। लेकिन ये सब हो नहीं पाया क्योंकि सोनी ने उस इवेंट से अपना नाम ही हटा लिया। तो शायद फ्यूचर में हमें सोनी की तरफ से और भी कई मूवीज का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकता है। खैर, तुम इन सब मूवीज में से किस मूवीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।